Which activity do you in the morning? Sleeping, going to school, playing या picnic? इनमें से हम कौन सी एक्टिविटी मॉर्निंग में करते हैं? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मॉर्निंग में हम गोइंग टू स्कूल, सुबह में हम स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच डे ऑफ द वीक इज ऑलवेज अ होलीडे? वीक में कौन सा ऐसा दिन है जिसमें हमेशा छुट्टी रहती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। प्लेलिस्ट की सीरीज में मैं क्लास थर्ड मैथ से अचीवर सेक्शन से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। इससे पहले मैंने नंबर, कंप्यूटेशन, ऑपरेशन, फ्रैक्शन, मनी, लेंथ, वेट, क्वांटिटी, टाइम एंड टेम्परेचर, इन सभी चैप्टरों से, जियोमेट्री चैप्टर से लेकर आ चुकी हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक डाल दूंगी, आप एक बार अवश्य चेकआउट करें। तो चलिए आगे हम देखते हैं, अचीवर सेक्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखेंगे, जिससे प्रैक्टिस करके आसानी से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर थ्री, रोहन स्टार्ट हिज फुटबॉल प्रैक्टिस ऑन 1 जून 2000 इफ एवरी संडे इज अ होली डे एंड ही प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर 14 डेज देन हिज प्रैक्टिस फिनिश ऑन। रोहन अगर फुटबॉल प्रैक्टिस 1 जून से स्टार्ट करता है और प्रत्येक संडे को उसकी छुट्टी रहती है और रेगुलरली वह 14 डेज प्रैक्टिस करता है, तो उसकी प्रैक्टिस जो है किस दिन फिनिश होगी, ये हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रोहन स्टार्ट प्रैक्टिस 1 जून को स्टार्ट होता है और प्रत्येक संडे को उसकी छुट्टी होती है और रेगुलर वह प्रैक्टिस 14 डेज तक करता है, तो संडे को उसकी छुट्टी होती है, तो संडे वाले ऑप्शन हम ये हटा देंगे यहाँ से। और अब वो हो जाता है 1 जून से, तो हो जाता है 14 डेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हो जाता है आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। 14 क्या है, 16 तारीख को उसका 14 डेज पहुंच रहा है और 14 डेज जो है ये ट्यूसडे हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 4। विच एक्टिविटी कैन बी डन इन 1 मिनट? इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने में हमें 1 मिनट का टाइम लगता है? ए पेंटिंग अ बॉल, बी शार्पनिंग अ पेंसिल, सी प्लेइंग अ फुटबॉल, और डी गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शार्पनिंग अ पेंसिल। पेंसिल को शार्प करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, जबकि अदर एक्टिविटीज है जो 1 मिनट में कंप्लीट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If a month has 28 days, then how many week will be there in that month? अगर month 28 दिन का है और तो कितने week उस month में पड़ेंगे? हम जानते हैं कि 1 week में 7 days होते हैं। क्या है? 1 week में कितने days होते हैं? 7 days।
ठीक है। अब हमारे पास 28 डेज हैं, तो 28 डेज में हमें देखना है कि कितने डेज पड़ेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 7 + 7 + 7 + 7 ये कितने हो गए, 28 डेज। यानी 28 डेज में कितने वीक हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 यानी 4 वीक हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वंदना इज मेकिंग दिस कैलेंडर फॉर अ बुलेट इन बोर्ड, विच डे ऑफ वीक शुड बी 22nd January 2022। वंदना एक कैलेंडर बनाती है 22 जनवरी का, तो जनवरी का कैलेंडर बनाती है बुलेट इन बोर्ड, तो 22 जनवरी में कौन सा दिन पड़ेगा, चलिए इसमें हम देख लेते हैं। 22 जनवरी हमारा हो रहा है, 22 जनवरी ये क्या हो रहा है, मंडे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अनिल, कुणाल, सुमित एंड समीर लीव देयर रेस्पेक्टिव होम्स एट 7:30 AM फॉर द स्कूल एंड अनिल रिच स्कूल एट 7:45। कुणाल रिच एट 7:40 AM, सुमित रिच एट 7:50 AM एंड समीर रिच एट 7:39 AM। तो हु रिच अर्लीस्ट ऑफ स्कूल एंड हु रिच इज लास्ट रेस्पेक्टिवली। तो इसमें चलिए हम समझते हैं क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनिल, कुणाल, सुमित एंड समीर होम घर से 7:30 पर निकलते हैं स्कूल के लिए। तो अनिल सबसे पहले 7:40 AM में पहुंचता है, कुणाल 7:40, सुमित 7:50 एंड समीर 7:39। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि सबसे नज़दीक स्कूल में, क्वेश्चन क्या है, हु रिच अर्लीस्ट टू द स्कूल, सबसे नज़दीक स्कूल के किसका घर है एंड हु रिच द लास्ट रेस्पेक्टिवली, यानी सबसे दूर किसका घर है। तो सबसे पहले जो है 7:39 में समीर पहुंच रहा है, क्या हम देख रहे हैं 7:39 में समीर पहुंच रहा है, तो ये समीर हो गया। और सबसे लास्ट जो है 7:50 में सुमित पहुंच रहा है, तो ये सुमित। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंजलि टेक 30 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द पार्क, हु लॉन्ग विल ही टेक द कम्प्लीट 2 राउंड। 30 मिनट्स में वह एक राउंड कम्प्लीट करती है, तो 2 राउंड कम्प्लीट करने में कितना टाइम लेगी, तो 30 मिनट्स + 30 मिनट्स कितना हो जाएंगे, 60 मिनट्स। ठीक है, यह 60 मिनट का 1 आवर्स होता है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द चार्ट शो नंबर ऑफ पेजेज अल्फाबेट ड्यूरिंग 4 डे, मंडे को 24 पेज रीड, ट्यूजडे को 17 पेज, वेडनेसडे को 31 पेज एंड थर्सडे को 26 पेज। तो हाउ मेनी
more pages did she read the Monday and Tuesday together than Wednesday. यानी मंडे और ट्यूसडे को मिलाकर वेडनेसडे से कितना ज़्यादा पेज पढ़ा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मंडे एंड ट्यूसडे। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हो रहा है मंडे प्लस ट्यूसडे को हमारा पेज हो रहा है 24 + 17 = 41। और नंबर ऑफ पेजेस वेडनेसडे को कितना पढ़ा जा रहा है 31। तो इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना पेज ज़्यादा हो रहा है 10 pages। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 10 pages। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10। If tomorrow will be Thursday and then what day was day before yesterday? According to question समझ लेते हैं। If tomorrow will be Thursday, तो देखिए ये tomorrow will be हमने Thursday कर दिया। Then what day was day before yesterday? Day before yesterday कौन सा दिन होगा? तो ये हमारा हो गया tomorrow will Thursday, तो ये today will हमारा क्या हो गया? Wednesday। Today हमारा Wednesday हो गया, तो yesterday क्या हो गया? ट्यूजडे यानी बीता हुआ कल। और उससे पहले का दिन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट डे वाज डे बिफोर यस्टरडे। तो यस्टरडे के पहले कौन सा दिन है, तो यस्टरडे के पहले हमारा हो गया मंडे। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच मंथ हैज नाइदर 31 days नॉर 30 days। कौन सा ऐसा महीना होता है जिसमें ना 31 days होते हैं ना 30 days होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी। फरवरी में 28 या 29 days होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज फरवरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।